मैं शपथ लेता हूँ कि आज की इस पंजाबी स्ट्रीट फूड की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अमृतसर का सबसे सस्ता पर टॉप क्वालिटी देसी स्ट्रीट फूड। अमृतसर में आपको 10 रुपए का हैवी ड्यूटी नाश्ता, 50 रुपए की डबल डेकर थाली और मात्र 5 रुपए का बाहुबली शाम का नाश्ता एक ही एपिसोड में ना दिखा दिया तो आप शिकायत लेके सीधा मेरे घर चले आना। एड्रेस आपको एंड में बताता हूँ। सबसे पहले हम आए हैं अमृतसर के इस्लामाबाद में, जहां सोमनाथ भगत जी 10 रुपए का कुलचा बेचते हैं और भाई साहब इतना जबरदस्त होता है कि यहां पे लोगों की भीड़ लगती है। जी ये कौन से 1995 वाले रेट है? हाँ जी साहब जी, कम से कम 25 साल हो गए मुझे यहां पे लगाने। और यही रेट है जी? रेट मैं 5 रुपए का किया था कुलचा। अच्छा जी। उसका उसके बाद मैं बजट 1-1 रुपया बनाया। अच्छा हाँ जी, 1-1 कोई ज्यादा नहीं, 1 तो कुछ भी हो जाता। 5 रुपए का आपने कब शुरू किया था? आज से कोई पीछे ला लो, मुझे याद नहीं। अच्छा 2024 उसके 25 साल पीछे लगा लो। 1999 में आपने चालू किया। हाँ जी, हाँ जी। और 24 तक आते आते आपको 5 रुपए लगे, मतलब 25 साल का, 15 रुपए का, 20 रुपए का। अच्छा जी, जो कुछ 2-10 वाले खाएगा अंदर उनको मक्खन भी लगा कर दूंगा। अच्छा जी, बच्चों को वो भी बच्चों को दूंगा, क्योंकि बच्चे से मेरा प्यार बहुत है। मैंने गरीबी देखी है, मुझे बच्चों से प्यार बहुत है, और बच्चों के लिए मैं 10 रुपए का कुलचा दे रहा हूँ, देता ही रहूंगा। तो ये 10 रुपए वाला कुलचा, 15 वाला, 20 वाला, इसका डिफरेंस क्या है? हाँ जी, इसके साइज का फर्क है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई साहब जो 10 वाला वो छोटा है, 15 वाला बड़ा है, 20 वाला और बड़ा है जा रहे हैं। 15 वाला इसके बाद 10 वाले लगा रहे हैं, 20 वाला भी लगा, 30 वाला भी, जो कस्टमर बोलेगा उनको वो ही दूंगा मैं। तो सोमनाथ भगत जी एक बार बताओ इसमें स्टफिंग क्या करते हो? आलू की देखो स्टफिंग, ये देखो भाई आलू की स्टफिंग है, इसके अंदर मसाले हैं, क्या क्या मसाले डाल रखे? इसमें मसाला धनिया, काली मिर्च, अजवाइन और अनारदाना। चिंतपूर्णी चौक में ये आलू मैं लाता हूँ, 1 नंबर का आलू है, LR आलू, जो सबसे ज्यादा महंगा है। आज से आलू लेने जाओ तो कुछ कम से कम 900 रुपए का पूरा मिल रहा, जो मैं 10 रुपए में कुलचा दे रहा हूँ। मारा नहीं जाऊंगा, 1 नंबर का सौदा दूंगा, जबरदस्त तक जीता रहूंगा। तो सर इसमें बरकत कैसे है, मतलब ये कैसे? बस गुरु रामदास की नगरी है, गुरु रामदास से और बाबा शिवदाली की कृपा है, मुझे उनका सेवा कर रहा हूँ मैं। सेवा के मुझे हुक्म हुआ कि लोगों की सेवा करो, जितनी हो रही है मैं कर रहा हूँ जी। बच्चों की तो ज्यादा सेवा हो रही है, और बहनों भाइयों को बहुत प्यार है मुझे, गली मोहल्ले वाले सब मुझे प्यार देते हैं, और मैं कुलचा उनको खिलाता हूँ और याद भी करते हैं। ये देखो इधर कुलचे तैयार हो रहे हैं, बहन भाई है सभी मेरे। ये कितने कुलचे जा रहे हैं सर एक बार? कुलचे साहब जी कम से कम जा रहे हैं 10 कुलचे। 10 कुलचे 10 रुपए वाले? हाँ जी, नहीं ये 15 वाला कुलचा है, जा रहे हैं। मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ भाई साहब, कुलचे लगाएंगे। अच्छा ये तैयार है तंदूर में जाने के लिए? तंदूर के लिए तैयार है। 10 वाला कौन सा सर इसमें? अच्छा ये 10 वाला है, और इसके साथ ये 15 वाला, 20 वाला, ये 20 वाला। अच्छा जी क्या बात है, जबरदस्त यार, पेड़े कर रखे हैं यहाँ पे। एक दो स्टफ करके दिखा दीजिए सर, कह रहे हैं कि आलू बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, और सर इसके साथ छोले और चटनी भी है। हाँ जी, 1 नंबर की चटनी है, 1 नंबर के चने हैं। वाह जी वाह, ये देखो आंटी जी जो है वो छोले डाल रहे हैं एक पतील, एक कटोरी के अंदर। छोले भी जो है वो लहसुन प्याज के बिना वाले है ना, और इसके साथ ओ भाई चटनी का कलर देखो एकदम ही अलग है, ऐसा तो पूरे अमृतसर में नहीं है कहीं पे। भाजी क्या क्या डालते हो इसमें? इसमें अपना प्याज है और पुतने की चटनी है जी, चने है, चने में इमली और चटनी में इमली डालते हैं, चने में थोड़ा सा घी डालते हैं, अच्छा प्याज डालते हैं। अच्छा हाँ जी, और मसाला थोड़ा सा डालते हैं, क्योंकि बच्चा भी खाएगा ना जी, उसको मिर्ची तेज नहीं लगेगी और गले में भी खट्टा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, गारंटी है। क्या बात है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 10 रुपए वाला कुलचा आपका शाम का स्नैक भी हो गया और सुबह का नाश्ता भी हो गया। टाइमिंग्स क्या है सर यहाँ पे? मेरी सुबह टाइम सब्जी कोई 9:30 से 3 बजे तक, 9:30 से 3 बजे तक। तो भाई साहब अगर आपको चाय के साथ कुलचा खाना है मट्टी की जगह पे, तो यहाँ पे आप आके 10 रुपए वाला कुलचा ले जाओ, और उसके ऊपर ये जबरदस्त ये कुछ मसाले डाल रहे हैं, खड़े मसाले। जैसे मोदी की गारंटी है, ऐसे 10 रुपए की सोमनाथ की भी गारंटी है। अच्छा जी क्या बात, कुलचा दे रहा हूँ देता है। यहाँ पे हमें 10 रुपए वाला कुलचा भी मिल रहा है और इनकी गारंटी भी मिल रही है साथ में। मिर्ची नहीं खानी आपने? मिर्ची के बिना खाओगे आप? ये देखो भाई ये अभी कुलचों के अंदर स्टफिंग हो गई, ऊपर से खड़े मसाले आ गए, और ये कुलचे जो है वो तंदूर के अंदर जा रहे हैं। और एक बार में कितने कुलचे लगा लेते हो सर? छोटे तो 18 लग जाते, छोटे 18 लग जाते, बड़े 12 जी। तो एक ही बार में 180 रुपए का माल अंदर लग जाता है जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया यार, और इसको धीमी आंच पे रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कोयला है कि लकड़ी है? ये सर सुबह लकड़ी, बाद में कोयला ही बन जाता है। कोयले बन जाता है जी जी जी। तो भाई साहब लकड़ी जो है उसका एक अलग फ्लेवर आता है स्मोक का, और एक अलग खुशबू आ रही है जबरदस्ती। और इसमें सर आप घी वगैरह भी देते हैं? जी हाँ सर, घी अच्छा, लगाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया यार, मतलब 10 रुपए के कुलचे में आपको घी भी मिल रहा है, और वैसे उसको खस्ता करने के लिए खस्ता घी ही लगता है। अच्छा घी साथ में गूंद के ना जी, तो घी भी लगा देते हैं। अच्छा घी के साथ ही खस्ता होता है? वाह जी वाह, क्या बात है भाई, सुबह ही इसको घी में। अच्छा लेयरिंग वाला आटा है ना, लेयर करे हुए हैं? बढ़िया यार,
बहुत कमाल जबरदस्त प्रेपरेशन है। और अभी ये कुलचे जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपको प्लेट लगवा के दिखाते हैं। भाई साहब ये देखो एक एक करके कुलचे जो है वो आने शुरू हो गए हैं। और ये मक्खन लगा के घी, ओ भाई क्या बात है, मक्खन और घी दोनों लगा के और जबरदस्त ये, ओ भाई ये 10 रुपए के कुलचे में भी इतना जबरदस्त क्रंच है। और ये साथ में छोले, छोले की कटोरी ये आ गई। और इसके अलावा ये साथ में चटनी देखिए, ये साथ में चटनी। और सर अपनी लोकेशन बता दीजिए कहाँ पे लगाते हैं। बता रहा हूँ कल मैं सोमनाथ भगत कैमगंज मेन बाजार, और मेरा मोबाइल नंबर है 93164256। और टाइमिंग आपके यहाँ की? हाँ जी, सवेरे 9:30 से शाम के 3 बजे तक। और 10 रुपए से कुलचा शुरू? 10 रुपए का कुलचा। बहुत बढ़िया, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, जय बाबा सिद्धालय। 10 रुपए का कुलचा नहीं, ये 10 रुपए की मट्ठी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बढ़िया नाश्ता करना है और आपको ये भी है कि यार आज थोड़ा डाइट पे हैं हम और हल्का फुल्का खाना है, तो यहाँ पे आपको एकदम जबरदस्त खस्ता वाला अमृतसरी कुलचा मिल जाएगा, वो भी 10 रुपए के अंदर। तो इसके साथ ये छोले और भाई साथ में ये चटनी मिक्स ही इकट्ठी आने दो आज तो। सबसे बेस्ट पार्ट है जो वो ये है कि 10 रुपए के अंदर आज भी 2024 में आपको ये कुलचा मिल रहा है। भाई ट्राई करते हैं, ये एक बड़ा खतरनाक बिजनेस आइडिया आया। अगर मेरे शहर में 10 रुपए के कुलचे मिलते हैं ना, मैं दिन के 100 पैक कराता और इसको शाम को ना अमृतसरी कुलचा के नाम से मट्टी की तरह बेचता चाय के साथ। भाई जबरदस्त यार, एकदम 10 रुपए में काफी बड़ा साइज है। इसको अगर आप चाय के साथ एंजॉय करते हो, चटनी छोले सब भूल जाओ, सिर्फ चाय के साथ एक कुलचा एकदम करारा मजेदार है। भाई पकौड़े भूल जाओगे, तंदूरी फ्लेवर है, मक्खन डालने के 5 रुपए एक्स्ट्रा, मैं लगाता ये नहीं लगा रहे। 10 रुपए के कुलचे वाली कसम तो पूरी हो गई। अब लंच के लिए मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 50 रुपए में आपको जबरदस्त हैवी ड्यूटी थाली मिलती है। इसके पहले मैम मैंने सुना आप जॉब करते थे? हाँ सर, मैंने जॉब किया 5 साल मैंने। अच्छा मैम कहाँ पे जॉब करी आपने? सर मैंने रिलायंस मार्केट में जॉब किया। रिलायंस मार्केट में जॉब करी, फिर उसके बाद खुद ही की मार्केट बना ली आपने? बहुत जबरदस्त मैम। यहाँ पे कितने टाइम से लगा रहे हैं आप? सर ये हमारा दूसरा महीना। अच्छा सेकंड मंथ ही अभी? क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस पहले तो आपको नए सेटअप के लिए। और बताइए यहाँ पे क्या क्या होता है? सर आज हमारे पास दाल है। अच्छा मामा की दाल है। अच्छा जी ये माँ की दाल है, जैसे लंगर वाली दाल होती है। एकदम कमाल लग रही है, जबरदस्त यार, गाढ़ी दाल बनाई हुई है। और मैम ये कुकर में आप सीटी दिलवा के बनाते हो? हाँ जी, हाँ जी, मेरे मम्मा बनाते हैं सारा कुछ। अच्छा आपके माता जी जो है वो बनाते हैं। और यहाँ पे आप, अच्छा ये चावल है जी? हाँ जी, ये देखो स्टीम्ड राइस है। हाँ जी, हाँ जी। बासमती है? हाँ जी। भाई साहब बासमती स्टीम्ड राइस, और इसके साथ मील तो ऑलरेडी पूरी हो गई है। और इधर क्या है मैम? आलू फलिया। ये है जी फलियां और आलू, पढ़ने ही वाला है तकरीबन। बहुत जबरदस्त मैम। ये जैसे आप पहले सेल्स में जॉब करते थे, आपने रिलायंस में जॉब करी, उसके बाद आपने ढाबा शुरू किया, तो ये कैसे दिमाग में आके ढाबा या ये स्ट्रीट फूड लगाना चाहिए? अच्छा मतलब आपके पिताजी जब जैसे थे तो तब उसके पहले आप ये काम करते थे? हाँ जी, हाँ जी, यही काम करते थे। ओके, आपके पिताजी का यही काम था? हमारी कैंटीन थी स्कूल में। अरे वाह, स्कूल में कैंटीन थी आपकी? तो आपके माताजी और आपके पिताजी जो है वो चलाते थे पहले, और उनके हाथ में वो मैजिक तो था ही, तो इसीलिए आपने चालू कर दिया। हम यहाँ पे कैसे खाना देते हैं आप, जैसे राजमा चावल कढ़ी चावल कैसे प्लेट कैसे देते हैं आप? जो दाल है राजमा चावल और तीर पे कढ़ी चावल है ये 25। अच्छा तो 30 रुपए और 25 रुपए के हिसाब से। और थाली भी है हमारे पास? 3 थाली है, 50 की 60 की 70 की। 50, 60, 70। अरे वाह, तो इसमें क्या क्या होता है? 50 वाली उसमें 1 सब्जी है, 3 रोटी और चावल है, और 60 वाली में 2 सब्जी है, 3 रोटी और चावल, और 70 वाली में 3 सब्जियां है, 3 रोटी। मतलब जितना आप पैसे बढ़ाओगे उतनी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सब्जियां वही हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी तो फिलहाल 2 ही सब्जियां हैं, एक सब्जी और दाल है। अच्छा उधर है अभी? अरे वाह क्या बात है भाई, कढ़ी भी है और इसके अलावा राजमा वगैरह भी होते हैं? हाँ राजमा भी होते जी। बहुत ही कमाल यार, कढ़ी की तो खुशबू अब आई है, अब पता चला है कि यहाँ पे माहौल किस लिए बना हुआ है, इतने लोग क्यों आए हुए हैं, कढ़ी की खुशबू सूंघ के मजा आ गया। और हम यहाँ पे, लोकेशन क्या है आपकी? लोकेशन हमारी रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक जी। अभी आदत नहीं पड़ी है ना, नया नया, तो इसलिए आपको आदत नहीं है। और टाइमिंग्स? टाइमिंग 10 से 6। 10 से 6 मतलब पूरा दिन ही हो गया, वही जॉब वाली ड्यूटी उतना टाइम ही हो गया। जबरदस्त, तो मैम एक थाली आप प्लीज लगा के दिखाइए, 50 वाली या 60 वाली जो भी आपकी फेवरेट है। सारी थाली का साइज यही है? हाँ, थाली का साइज यही है, और एक सब्जी,
जी अगर आप सारा साइज सेम ही है जी, मतलब इसी में जैसे कोई प्राइस ज्यादा देता है तो रोटी और चावल या वो सब चीजें आप बढ़ा देते हैं। जबरदस्त लगा के दिखाइए मैम। तो भाई साहब ये देखो ये लगने वाली है थाली। सबसे पहले तो थाली के अंदर दाल आ गई है और दाल एकदम जबरदस्त काढ़ी दाल है यार, इनके माता जी ने बनाई है और देखने में ही पता चल रहा है कि बहुत मेहनत से और बहुत ही ज्यादा इत्मीनान से बैठ के बनाई है। इधर ये साथ में आ गए जी राइस। मैम आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मेनू कड़ी। अच्छा कड़ी। हाँ। मैम खुशबू तो उसकी वाकई सबसे बढ़िया उसी की लग रही थी। अभी इसके साथ ये देखो सब्जी थोड़ी बनाई दी है ना क्योंकि फिर सारी बातें थी बातों जी, फिर सानू वो गवांडियों ने बेइज्जती कर दिया। जी जी जी। और भाई साहब साथ में एक कढ़ी। और मैम चपातियां जो है वो आप फ्रेश बनाते हैं या? अच्छा चपाती जो है उधर फ्रेश बन रही है, इधर देखो आपको वो भी दिखाते हैं। तो हरमन जी अभी यहाँ पे आप चपातियाँ भी उतारे तो सारा फ्रेश है सब कुछ? हाँ जी सर। मतलब ब्रेड्स भी फ्रेश है, राइस भी आज सुबह ही बनाए हैं आपने और सब्जियाँ जितनी भी है वो सारी की सारी आज ही बना के आज ही सर्व करते हैं। बेस्ट पार्ट तो ये मैम बहुत सारे स्ट्रीट फूड सेटअप्स में ना रोटियां जो है वो टिफिन में पैक करके लाते हैं, बट आप यहाँ पे फ्रेश दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो आटा भी एकदम दरदरा छिलके वाला आटा है भाई साहब, मैदे वाली फील नहीं आ रही। और यहाँ पे फुलके जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं और साथ में ये सब्जियां बन रही हैं, सब्जियां लग रही हैं थाली के अंदर। बहुत ही कमाल यार, बहुत जबरदस्त। मैम कैसा रिस्पांस अभी दो महीने के अंदर? जैसे बढ़िया रिस्पांस हो रहा है। ज्यादा करके यहाँ पे कौन लोग खाने आते हैं आपके यहाँ पे? सारे आंदे जेडे बैंक वाले बच्चे हो गए सारे जी खाने पे। तो जो आपके साथ जॉब करते थे वो भी आते हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह? नहीं नहीं कोई नहीं आता। अच्छा वो नहीं आते? कोई भी नहीं, बस उन्होंने मेरी वीडियो देखी फिर आए ही। अच्छा जी। एक कदा पर्सन आया। अच्छा आपने किसी को बताया नहीं कि मैं रोटी लगा रही हूँ यहाँ पे? नहीं नहीं मैंने किसी को नहीं बताया। अच्छा जो भी है मेरी वीडियो देखी है वैसे मैंने किसी क्या को नहीं बात है। आप चाहते हैं कि खुद ही पब्लिसिटी हो, आप किसी को ऐसा बताना नहीं चाहते कि मेरे यहाँ पे आओ? कब जानू पता बस जी। बहुत बढ़िया जबरदस्त। ये आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो एकदम फ्रेश आटे की रोटियां, तवा रोटियां, उसके साथ ये फलियों की सब्जी और भाई ये दाल और कढ़ी। और कढ़ी वाकई कमाल लग रही थी। तो आपको तो पता ही है कि भाई मैं कढ़ी का और कढ़ी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। तो बाइट लेते हैं कढ़ी के साथ। हियर इज अ बाइट ऑफ द कढ़ी। हियर गोज। भाई साहब वाकई जबरदस्त कढ़ी है, एकदम परफेक्ट खटास है और खड़े मसाले वाली जबरदस्त कढ़ी है। पकोड़े जो हैं प्याज के पकोड़े हैं। और यहाँ पे आप हरमन दीदी के पास इसलिए आओ क्योंकि यहाँ पे भाई साहब जब आप आके खाना खाओगे तो आपका पेट भरने से वो अपना घर चला रहे हैं। तो यहाँ पे आके जरूर ट्राई करो, इनके यहाँ की थाली खाओ, इनके यहाँ की जो दाल है वो ट्राई करो, सूखी सब्जी ट्राई करो, लंच यहीं पे करो। आप बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है यार, बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाता रहता है हमें। इसी वादे को निभाते हुए हम आपको लेके आए जी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कोई भी पकौड़ा समोसा कुछ भी उठाओ आपको ₹5 में मिल जाएगा। यहाँ पे भाई साहब ₹5 में शाम का हैवी ड्यूटी नाश्ता मिलेगा। आ जाओ भाजी। सत श्रीकाल। क्या हाल चाल है भाजी? भाजी कितनी पुरानी दुकान है ये? बड़ा जबरदस्त सेटअप लग रहा है, एकदम रंगारंग सा। ये कितनी पुरानी दुकान है? सर हमारी दुकान दादाजी परदादे की समय की दुकान। अच्छा पहले दादाजी काम करते थे, दादाजी के बाद फिर पापा ने किया जी, पापा के साथ मैं कर रहा हूँ। अरे वाह, तो मतलब ये पुश्तैनी काम है। जबरदस्त यार, तो आपके दादाजी पकौड़े समोसे ये सब बनाते थे? अभी किस किस तरीके के पकौड़े होते, कौन कौन से? हमारे पास सर मिक्स पकौड़े होते हैं, आलू टिक्की होती है, ब्रेड पीस होते हैं, बैंगन के पकौड़े होते हैं, समोसे होते हैं। क्या बात है भाजी, फेमस ज्यादा समोसे समोसे फेमस है इसीलिए बीरा समोसे वाला। हाँ जी, क्या बात। तो बीरा जी आपके दादाजी हैं? अच्छा, पापा के नाम है। अरे वाह, तो एक बीरा वो भी होता है ना जैसे भैया को बीरा कहते हैं, जैसे भैया भाजी बीरा। हाँ जी मनजीत सिंह बीरा जी। ओके ओके। और मैम अभी आप जो ये डो बना के लगा रहे हैं कौन से वाले पकौड़े हैं? ये बैंगन के पकौड़े। ये बैंगन के पकौड़े निकल रहे हैं भाई साहब जबरदस्त। ये देखो इधर एक बैटर बनाया हुआ है बेसन का और बैंगन के ऊपर कुछ मसाले लगा के एकदम फ्रेश घर के स्टाइल के पकौड़े बन रहे हैं। और भाजी ये सारे दिखा दो एक बार कौन कौन से हैं यहाँ पे। ये है जी मिक्स वाले पकौड़े जी। इधर आलू टिक्की है। आलू टिक्की आ गई है? अरे वाह भाई साहब, इधर है ये आलू टिक्की। हाँ जी जी। तो इसको आप दबा के फ्राई करते हैं? हाँ जी, दबा के जी। और ये क्या है सर? ये मटर होते हैं नमकीन चाय के साथ। हाँ जी। और ये पाजी इधर ये ब्रेड पकौड़ा और हाँ, समोसे। समोसे बहुत ही कमाल यार, एकदम जबरदस्त पकौड़े जो है वो निकल रहे हैं। और ये अभी कौन से वाले बन रहे हैं? आलू की टिक्की और बन रही है। आलू की टिक्की और बन रही है। ओके जबरदस्त यार। तो यहाँ पे क्या प्राइसेस रहते हैं? प्राइसेस सर सुनके आप शौक हो जाओगे जी। समोसे का प्राइस ₹5 का आज भी। हाँ जी 2024 में। हाँ जी सर। ओ क्या बात है, ₹5 का समोसा।
भाई साहब। और बाकी पकौड़े? बाकी सर मिक्स पकौड़े का रेट है 40 के जी, 250 ग्राम जी 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 जी। मटर भी सेम है 40 पाइया। अच्छा, टिक्की भी 5 की है। 5 की टिक्की है, क्या बात है। और ये प्राइसेस बढ़ा नहीं रहे कि मन नहीं कर रहा सर? ऐसे ही बात शुरू से ऐसे चलता आ रहा है, जैसे भी ठीक है। जबरदस्त भाई, यहाँ पे देखो आज भी मुझे लग रहा है 1990s वाले प्राइसेस चल रहे हैं। 5 रुपए के अंदर समोसे और 5 रुपए के अंदर टिक्की। और भाई साहब ये बैंगन वाला कितने का? ये भी 5 का सर। ये भी 5 का। जबरदस्त भाई साहब, ये देखो ब्रेड पीसेस जो है इनको फुल फ्राई करके अभी रेडी करेंगे। और पाजी हमें क्या ट्राई करना चाहिए? आपके हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? समोसे ज्यादा फेमस है, वही ट्राई कराओ पाजी। फिर समोसे ही खाते हैं आज, क्योंकि देखो हमने सुबह से कुलचे पूड़ियाँ ये सब चीजें तो खा ही ली है, समोसे रह गए थे ना, तो समोसे खाते हैं अभी। ये क्या लगा रहे हो पाजी? ये बैंगन, बैंगन के पकौड़े जो है पैक करने के लिए सटा रहे हैं। भाजी अमृतसर में पकौड़ों को तलिया कहते हैं ना? हाँ जी, तलिया बोलते हैं, पकौड़े भी बोलते हैं, पकौड़े भी बोलते हैं, तलिया भी बोलते हैं। और यहाँ पे भाजी लोकेशन क्या है आपकी? डैमगंज मेन बाजार नियर आटा चक्की जी, और नियर साथ में एक डैमगंज सरकारी स्कूल भी है। और टाइमिंग्स आपके यहाँ की? दोपहर को 12 बजे से 6 बजे तक, 12 बजे से 6 बजे तक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे के सारे पकौड़े और समोसे। और भाई साहब हम यहाँ पे समोसे ट्राई करने वाले हैं। और पाजी ने ये क्या डाला भाजी? ये पकौड़े। अच्छा, मिक्स पकौड़ा है। हाँ जी, दिखाओ पाजी समोसे ट्राई कराओ। तब अमृतसर में ये जो चटनियाँ है ना, ये जो पिसी हुई कुटी हुई चटनियाँ है, ऐसी चटनियाँ आपको पूरे इंडिया में और कहीं नहीं मिलेंगी। ऐसे मूली हरी मिर्च डाल के सब कुछ, और ये समोसे के साथ। भाई साहब आप खाने में अभी फिलहाल क्या खा रहे हो वो मुझे बताओ, मैं तो बीरा समोसे वाले पे समोसे खा रहा हूँ। चटनी एकदम खट्टी, एकदम स्पाइसी, एकदम जबरदस्त। और जो समोसा है उसमें एकदम कम फ्लेवर है, बट एकदम करारा, एकदम क्रिस्पी, एकदम खस्ता है, बहुत ज्यादा जबरदस्त समोसा है। और भाई अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो 50-60 रुपए लेके आना, क्योंकि 10-12 समोसे तो एक बंदा मेरे जैसा खा ही जाएगा बड़े आराम से खड़े खड़े। बहुत स्वाद है, बहुत ज्यादा कमाल है। और अभी मैं बैंगन वाले जो पकौड़े वो भी ट्राई करता हूँ, आप यहाँ पे आके ये वाले ट्राई करना। आप बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है यार।